अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज हम आपके लिए एक और गैजेट लेके हैं जिसकी अनबॉक्सिंग और रिव्यू करेंगे इंशाल्लाह। हमने दराज पे ऑर्डर प्लेस किया था, जो पार्सल हमें रिसीव हो चुका है। हम इसकी इंशाल्लाह अभी अनबॉक्सिंग करेंगे, तब तक आप वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर दें। यह आ गया हमारा पार्सल। ये है हमारा मिनी कीबोर्ड, इसको हम गेमिंग पैड भी बोल सकते हैं। ये गेमिंग पैड भी है और मिनी कीबोर्ड भी है। तो चलें इसको अनबॉक्स करते हैं और देखते हैं इसके क्या क्या फंक्शंस हैं और इसके साथ क्या क्या एक्सेसरीज हैं। सबसे पहले जी, जो हमें इसमें फीचर्स दिए हुए हैं, एक्सबॉक्स 360, PS3 के साथ ये कनेक्ट हो सकते हैं, स्मार्ट टीवी के साथ कनेक्ट हो सकते हैं, एंड्रॉयड टीवी बॉक्स के साथ भी कनेक्ट हो सकते हैं, हमारे फ़ोन के साथ भी ये कनेक्ट हो सकता है थ्रू OTG, और ये नोटबुक के साथ भी कनेक्ट हो सकते हैं। तो इसको करते हैं अनबॉक्स। ये आ गया हमारा कीबोर्ड, मिनी कीबोर्ड। अरे काफ़ी ये प्यारा है, और है भी ना छोटा सा, बिल्कुल सा क्या देख सकते हैं आप। छोटा सा इसको रखते हैं साइड, और इसके साथ हमें मिली हुई ये चार्जिंग केबल और ये यूज़र मैनुअल बुक। ये आपको पढ़नी चाहिए यूज़र मैनुअल, अगर आप ऑर्डर करते हैं मंगवाते हैं तो ये आपको पढ़नी चाहिए। तो ये सब करते हैं साइड और आते हैं अपने कीबोर्ड की तरफ। तो ये इसमें सारे ऑप्शन दिए हुए हैं, स्क्रॉल अप डाउन राइट लेफ्ट का, और वीडियो और ऑडियो पॉज करने का, वॉल्यूम अप एंड डाउन का, बैक एंड फॉरवर्ड का ऑप्शन दिया हुआ है, म्यूट का ऑप्शन दिया हुआ है, मैसेजेस का ऑप्शन है। ये आ गया हमारा माउस पैड, ये हमारा की पैड। तो इसके अगर बैक साइड पे हम चलें तो ये हम ओपन करते हैं, इसमें एक बैटरी दी हुई है, BL5C इसका मॉडल है, साथ इसमें इसका छोटा USB कनेक्टर इसके साथ ही है। तो अभी हम इसको करते हैं ऑन और करते हैं अपने फ़ोन के साथ कनेक्ट। सबसे पहले इसको हम करते हैं ऑन। माशाल्लाह नाइस, इसमें उन्होंने डिफरेंट कलर की RGB लाइट्स लगाई हुई हैं इसमें। तो हम पहले इसका देखते हैं फंक्शन, लाइट चेंज करने वाला। यहाँ पे नीचे ऑप्शन दिया हुआ है FN का, इसको होल्ड करके रखना है, प्रेस करके होल्ड करके रखना है, साथ F2 प्रेस करना है, तो ये इसकी लाइट होगी ऑन। रेड कलर की लाइट है और बहुत ही डैशिंग लुक दे रहा है इस टाइम ये। फिर अगेन हम वही प्रोसेस करते हैं, FN एंड F2, लाइट अगेन चेंज। तो इस तरह की इसमें इन्होंने डिफरेंट कलर्स की लाइट दी हुई है। और अगर हम इसमें एक और ऑप्शन भी है, FN को प्रेस कर को पकड़ के इसको हम यहाँ से स्क्रॉल करेंगे बॉटम से, तो आप देख सकते हैं इसके कलर चेंज हो रहे हैं, वाइट हो गए, पिंक, पर्पल है सॉरी, रेड, येलो, ग्रीन, गैन येलो। तो इसमें इस तरह के इसके कलर चेंज होते रहते हैं। इसको अभी करते हैं हम अपने फ़ोन के साथ कनेक्ट। फ़ोन के साथ हमने OTG तो लगा ली है, अब इसका USB डोंगल शायद इसे कहते हैं, कनेक्टर जो भी है इसका, उसको हम लगाते हैं अपने फ़ोन के साथ। तो देखते हैं अब क्या करना पड़ेगा हमें। ओह गाइस, कुछ भी नहीं करना पड़ा, इजीली ये देख सकते हैं आप, ये कनेक्ट हो गए, ये देख सकते हैं आप, ये हो गए कनेक्ट।
अभी इसको हम अगर करते हैं वॉल्यूम, ये देखें वॉल्यूम अप एंड डाउन, और साथ में अगर और चीज़ें हम इसमें देखें तो अभी हम सर्च करते हैं तो ये देख सकते हैं आप हमारा गूगल ऑन हो चुका है। इसी तरह अगर मैसेजिंग करना चाहें, हम मैसेजेस में जाते हैं अपने टाइप, अब मैसेज टाइप करके देखते हैं, इस पर हम लिखते हैं सब्सक्राइब, ये देखें ये टाइप हो चुका है, स्पेस वगैरह सब कुछ इसमें सही से वर्क कर रहा है। तो मतलब ये वाला गैजेट हमारा सच में यूज़फुल है। इसी तरह ये हमारे टीवी के साथ भी कनेक्ट हो सकता है और हमारे PS4 के साथ कनेक्ट हो सकते हैं, तो ये काफ़ी हेल्पफुल गैजेट है। सो ये थी हमारी आज की अनबॉक्सिंग मिनी कीबोर्ड, तो आई होप कि आपको ये पसंद आएगा। वैसे मुझे बड़ा पसंद है, ये बड़ा यूज़फुल गैजेट है हमारे डेली यूज़ के लिए। हम इससे एज ए टीवी रिमोट भी यूज़ कर सकते हैं, कीपैड भी यूज़ कर सकते हैं, गेमिंग के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। सो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अनबॉक्सिंग के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।